क्योंकि छोटे क्रिएटर को ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों का सपोर्ट का बड़े क्रिएटरों के मुकाबले, क्योंकि वही होगा लोग ताने मारते हैं। और घर गाँव में तो आप लोगों को पता ही है हर कोई जज करता है, चाहे कपड़ों पे हो या बोलने पे हो या जब लगना भी चाहिए, क्योंकि उनके फ़ोन में क्लियरिटी होती है होगा ही, क्योंकि आईफोन से शूट करते हैं और हम छोटे क्रिएटरों के पास क्या आईफोन ख़रीदने की इतनी औकात तो हमारी है नहीं। और तो रात में जब वो सो जाता है मैं फिर एडिटिंग करती हूँ, और कभी कभी तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है, दिन भर वो बहुत परेशान करता है, उसी के साथ रहती हूँ बाकी अदर काम भी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राधिका ब्लॉग उत्तराखंडी। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूँ कि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग नहीं है, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड की हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो, बहुत सारी ब्लॉग्स मैंने अपलोड कर दी। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉग दोबारा बनाने का रीज़न ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जान पहचान आपकी और मेरी थोड़ा और बढ़ानी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग जब मैंने बनाया था तो मैंने इतनी जान पहचान शायद हमारी बन नहीं चुकी है, क्योंकि मेरे वीडियोज़ में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है आप लोगों का। बट फिर भी मेरे साथ 300 लोग जुड़ चुके हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आगे मेरे साथ जुड़ेंगे उनका मोस्ट वेलकम है। वैसे तो आपको मेरे बारे में जानने में इंटरेस्टेड होगा नहीं, क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं या फिर मेरा इतना सुंदर चेहरा तो है नहीं क्या इच्छुक होंगे मेरे बारे जानने के लिए। बट मैं फिर भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ अपने बारे में। तो मेरा नाम है राधा बिष्ट और मैं अल्मोड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव बसेरी गांव से रहने वाली हूँ। और बात करें मेरे ससुराल की, तो मेरे ससुराल में मैं, मेरा 9 महीने का बेटा और मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जी, मेरे जेठानी और उनका बच्चा है। और घर में हम, मतलब गांव में हम, मेरे सास ससुर और मैं और मेरा बेटा रहते हैं। मेरे हस्बैंड दिल्ली जॉब करते हैं, मेरे जेठी जेठानी जी बाहर हैं। और बात करें मेरे मायके की, तो मेरे मायके में मेरी मम्मी और मेरे दो भैया भाभी और उनके बच्चे रहते हैं, और मेरी बड़ी एक सिस्टर है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल में है। और मेरे पापा नहीं हैं, 2019 में हमारे पापा हमें छोड़ के चले गए थे। तो ये थी मेरी पहचान फिर थोड़ा बहुत। तो आई होप आपने मेरे बारे में थोड़ा सा और जान लिया होगा। जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए तो नहीं, पर जो लोग नए मेरे साथ जुड़ेंगे, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने सोचा थोड़ा सा और जान पहचान बढ़ा लूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस में शायद ज़्यादा रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैंने काफ़ी ब्लॉग्स अपलोड कर दी, शायद कमी भी है, मुझे लगता है कि कमी भी है, मुझमें उतनी क्वालिटी नहीं है, या मेरी वीडियोज़ बनाने में उतनी क्वालिटी नहीं है, कैमरे में हो सकता है इतनी क्वालिटी नहीं है, क्योंकि अफकोर्स होगा ऐसी फ़ोन है, क्योंकि बड़े क्रिएटर को आप लोग देखते हो, सपोर्ट करते हो, अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि उनके फ़ोन में क्लियरिटी होती है होगा ही, क्योंकि आईफोन से शूट करते हैं, और हम छोटे क्रिएटरों के पास क्या आईफोन ख़रीदने की इतनी औकात तो हमारी है नहीं। और या आईफोन खरीद लें या महंगा फ़ोन खरीद लें, फ़ोन ही खरीदेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगे, घर भी तो चलाना है, मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग। तो आप सभी लोगों को ये कहना चाहूँगी कि छोटे क्रिएटर को ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों का सपोर्ट का बड़े क्रिएटरों के मुकाबले, क्योंकि मतलब बड़े क्रिएटरों की वीडियोज़ भी देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना, उन लोगों ने भी जीरो से स्टार्ट किया, वो लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उन लोगों की मतलब छोटे से ही स्टार्ट किया होगा, तभी उनने बहुत मेहनत की होगी इसीलिए। लेकिन जो घर गाँव से आजकल ब्लॉगर निकल के आ रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उन लोगों को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं नहीं बोल रही मुझे सपोर्ट किया है, मुझे सब्सक्राइब करो, वो आपकी मर्ज़ी है, पर एक बोलना तो होता ही है, सभी बोलते हैं कि हमें सपोर्ट करें, और बाकी तो आपकी मर्ज़ी, किसी को फोर्स तो कर नहीं सकते कि आप कर ही लो ये। और आपको आगे भी मेरे बारे में और जानकारी मिलती रहेगी आगे की वीडियोज़ में। तो बाकी मुझे नहीं पता कि मैं इसमें सक्सेस हो पाऊँगी नहीं हो पाऊँगी, स्टार्ट तो मैंने कर लिया है, बट मैं सक्सेस हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी मुझे नहीं पता। अगर मैं सक्सेस होती हूँ तो आप लोगों का सबसे ज़्यादा इसमें हाथ रहेगा, और नहीं होती हूँ तो वही लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे कि हाँ देखो बड़े आईफोन स्टार्ट करने वाली क्या हुआ, वही ज़िंदगी है वैसी है। तो अदरवाइज क्या बोलूँ, मेरे पास टाइम भी ऐसे होता है, मेरे पास टाइम भी नहीं होता वीडियो बनाने का, और मेरे पास इतना कैमरा नहीं है कि इतना क्लियरिटी वाला, या आईफोन हो या महंगा फ़ोन हो, मेरे पास कुछ है नहीं, जो है ऐसी है। 9 महीने का बच्चा है मेरा, उसको देखना है, उसकी जिम्मेदारी के साथ साथ मुझे वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, टाइम जब उसको भी पकड़ना पड़ता है, बहुत परेशान करता है। और वीडियो ऐसी बना पाती हूँ मैं थोड़ा बहुत, किसी टाइम पर टाइम लगे तो, इसलिए मैं रेगुलर वीडियो भी नहीं डालती हूँ। तो यही है, और घर के काम भी करने होते हैं, उसको भी देखना होता है, तो इसी कारण। बट आप लोग सपोर्ट कीजिए प्लीज़, कोशिश करूँगी मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट होगा तो फिर ही मैं, तभी मैं मतलब
ब्लॉग बना पाऊँगी, अच्छे से वीडियोज़ बना पाऊँगी, लोगों के सामने बोल पाऊँगी, फेस कर पाऊँगी, क्योंकि ये होता है ना कि हमारे सपोर्टर हैं। कि वैसे ही है ना, जैसे हम कहीं जाते हैं हमें डर लगता है अकेले जाना, हम झुंड में जाते हैं, हमारे साथ बहुत सारे होते हैं, तो हमें हिम्मत होती है कि हाँ भाई हमेशा ये है तो हम चले जाएंगे, हमें डर नहीं लगता। तो वैसे ही है, अगर मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे, आप मुझे सपोर्ट करोगे, तो मुझे अपने आप ही हिम्मत आएगी, मुझे मतलब बहुत मोटिवेट होंगे, तो मैं अपने आप ही मोटिवेट होंगी कि हाँ अगर मुझे कोई कुछ बोलता है तो फिर क्यों मेरे साथ, मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ इतने लोग हैं, आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तभी मैं मोटिवेट हो पाऊँगी, सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर डिमोटिवेट होंगी, वही होगा, लोग ताने मारते हैं। और घर गाँव में तो आप लोगों को पता ही है, हर कोई इज्जत करता है, चाहे कपड़ों पे हो या बोलने पे हो या जब देखो फोटो खींच रहे तो इसमें भी या वीडियो बना रहे, हर कोई गाँव में तो जज ही करता है। जो लोग गाँव में उन लोगों को तो पता ही होगा कि गाँव में तो हर कोई एक मतलब दूसरे की बहू बेटियों को जज करते हैं, बोलते हैं, नाम रखते हैं, दूसरे से बात करते हैं, और जो शहर में उनको तो पता नहीं होगा क्योंकि शहर का माहौल अलग होता है, गांव का माहौल अलग होता है। फिर से आज सभी का जो 300 लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, और जो लोग आगे जुड़ेंगे मेरे साथ तो उन लोगों का मोस्ट वेलकम, और मैं अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी क्रिएटिव के साथ। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे हिम्मत आएगी, मैं कर पाऊँगी, और मैं डीमोटिवेट होती हूँ क्योंकि मुझे मेरे साथ सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मुझे डीमोटिवेट होती हूँ, मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है वीडियो बनाने वाला। मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी वीडियोस कोई बनाए, क्योंकि मुझे इतना वो नहीं होता है, मेरा बच्चा रहता है, मुझे काम करना होता है, और आसान नहीं होता वैसे ब्लॉग बनाना, जो लोग बनाते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि आसान नहीं होता है, क्योंकि दिन भर मतलब ब्लॉग बनाओ फिर उनको उसको एडिटिंग करो, मेरे को एडिटिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता है, मैं दिन भर भी तो बच्चा लिखना होता है, मैं फ़ोन पे तो लगी नहीं रहूँगी, अगर फ़ोन पे ही लगी रहूँगी तो कहीं बच्चा गिर गुड़ जाए, पर पहले तो उसका ध्यान रखना, पहले तो बेबी है, बाकी सब कुछ तो बाद में, तो रात में जब वो सो जाता है मैं फिर एडिटिंग करती हूँ, और कभी कभी तो मैं कर भी नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत नींद आती है, दिन भर वो बहुत परेशान करते हैं, उसी के साथ रहती हूँ, बाकी अदर काम भी होते हैं, तो रात को बहुत नींद आती है, तो मैं कभी कभी एडिटिंग कर भी नहीं पाती हूँ, मेरी आँखें में एडिटिंग करती हूँ जैसे फ़ोन देखती हूँ, मेरी आँखें बहुत बंद होती हैं, तो मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। तो बाकी क्या बोलूँ फिर आपको, यही था, और तो फिर से आपको बोलूँगी तो मेरी सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बाय बाय।